गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमम प्लस टू मैथ क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस साइन टू एक्स ऑन इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक। हमने इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाने हैं। सो सॉल्यूशन, पहले इसको एफ एक्स के इक्वल लिख ले। एफ एक्स इज इक्वल, ऐसे ही क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ध्यान से देखना। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव तो हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कोस 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख लो, ठीक है, और एक्स की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ से हो गया 1 + 2 cos 2x = 0। तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, ठीक है। अब cos y लाइन में 1/2 कहाँ पर आता है बोलो, cos y लाइन में 1/2 कहाँ पर आता है, 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर तो माइनस में है, x की वैल्यू फाइंड करनी है क्रिटिकल वैल्यू, कैसे देखो क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है, प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस एक्स प्लस, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो पहले तो हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है। देखो तो अगर आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 से क्या होना चाहिए, कम। जब 180 से कम होगा तभी तो कॉस एक्स नेगेटिव आएगा ना, तो इसको 180 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये वाला 2x तो ये रहा, और इसको 180 में से माइनस कर दो ताकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाए। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लो, 3 पाई में से पाई का कितना बन जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाला 2x लिखो, इसको 180 में प्लस कर दो ताकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए और वो नेगेटिव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू टेकिंग 3 एलसीएम, 3 पाई और पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना हो गया, 180, यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना हो गया, 2 पाई, पाई ये वाला हो गया, पाई ये वाला 2 पाई, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो कितना बन जाएगा, 3 पाई। देखो पहले ये 1 पाई, 2 पाई, ये 3 पाई, 3 पाई में से कम कर दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये वाला 2x इज इक्वल टू 3 पाई में से पाई बाई 3 माइनस कर दो। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल 3 एलसीएम ले, 3 9 में से 1 गया कितना हो जाए, 8 पाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वाड्रेंट में चलो देखो 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई में प्लस कर दो, 3 पाई में प्लस करोगे तो अगले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से 2x इज इक्वल 3 एलसीएम ले लो, 3 9 9 और 1 कितना बन जाएगा, 10 पाई बाई 3। इसके आगे लेने, आगे भी ले सकते हो, देखो 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, 5 पाई में से कम करो ज़्यादा, फिर वो x की जो वैल्यू निकालोगे वो फिर स्क्वाड इसके अंदर भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ तक इससे आगे लोगे ले तो सकते हैं, लेकिन वो इसके बीच में नहीं आएगा ना क्रिटिकल वैल्यू। अभी ट्राई करके देखते हैं आगे। देखो पहले पहले इसको देखो, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन गया, पाई बाई 3। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 = 4, पाई बाई 3, 2 से डिवाइड कर दो कितना बन गया, 4 पाई बाई 3, 2 से डिवाइड करो, 2 5 = 10, पाई बाई 3, ठीक है ना। अब देखो ये कितना है, 180, 180 को 3 से डिवाइड किया, 60, 60 के बीच में आ जाएगा, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर कितना है, ये 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120, 120 भी तो इसके बीच में है ना, अगर यहाँ से कर तो 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 240, 240 भी इसके बीच में है। यहाँ से 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 300, ये 300 है, 300 भी इसके बीच में जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ से इसके आगे बढ़ता, ठीक है ना, तो मैं इसके आगे अगर मैं लेता तो वो फिर वो क्वाड्रेंट इससे बाहर निकल जाता वो, इसलिए मैंने वो वाला नहीं लिया। तो इतना यहाँ तक सफिशियंट है, क्लियर है। तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद फिर से वही जो मैक्सिमम मिनिमम हम फाइंड कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर ये एफ एक्स है, एक्स की जगह कितना पुट करोगे, 60, फिर इसके बाद एक्स की जगह कितना रखोगे, 2 पाई बाई 3, नेक्स्ट वैल्यू कितनी रखोगे, 4 पाई बाई 3, इसके बाद 5 पाई बाई 3,
बस क्वाड्रेंट्स आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। फिर ये वाला एक बार एक्स की जगह ज़ीरो और एक बार एक्स की जगह टू पाई, ठीक है, क्लियर। तो ये सबकी वैल्यू निकालो, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी और जो सबसे कम आएगी तो वो मिनिमम। तो अब बस ये क्वाड्रेंट से आप इसको आराम से सॉल्व करते चलो। चलो पहले ये 60 यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह कितना रख दूँ पाई बाय 3, यहाँ पर ये साइन 2π/3, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो ध्यान से, ये वाला कितना है 60, ठीक है। तो और यहाँ से ये वाला कितना बन गया देखो ध्यान से, ये 60 है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ से कितना बन गया पाई बाई 3, इसको कैसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, 180 में 60 क्या 120, ये वाला पाई बाई 3। 180 पे टी रेशियो चेंज नहीं होती, 180 में से माइनस करोगे सेकेंड क्वार, सेकेंड क्वारेंट में साइन प्लस होता है। तो यहाँ पर ये कितना बन गया साइन 60, तो ये कितना बन गया पाई बाई 3। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, समझ में आया। इसी तरह से आप इसको बाकी सारी वैल्यूज़ आप निकालते चलो, ठीक है, सारी वैल्यूज़ इसकी निकालते चलो। जब इसकी सारी वैल्यूज़ निकालोगे तो इसकी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसकी ये वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी। जैसे आप पहले ये वाली पुट करिए तो ये आंसर आ गया देखो, है ना। फिर जब आप ये वाली वैल्यू डालोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे आप इसकी वैल्यूज़ निकालते चले जाओ। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो आंसर आएगा, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा आंसर कितना आएगा 2π। ये देखो एक आंसर ये रहा, एक ये जीरो है माइनस रूट ये वाली ये, और ये इसमें सबसे बड़ा आंसर ध्यान से देखना 2π है और सबसे छोटा आंसर इसके अंदर कितना है जीरो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लो, क्लियर बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पर आ जाओ। सॉल्यूशन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन द इंटरवल। एक बार इंटरवल ये लेना है, एक बार इंटरवल ये लेना है, दो क्वेश्चन हो गए। इस इंटरवल को लेकर चलो फर्स्ट पार्ट, इसको लेकर चलोगे तो सेकेंड पार्ट। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल 2x³ - 24x और ये 107। पहले डेरिवेटिव कर लो, कितना बन जाएगा 236x², 24x का 24, 107 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख लो, तो यहाँ से बन जाएगा 6x² - 24 0, तो यहाँ से 6x² = 24x² कितना बन गया 64, दोनों तरफ रूट कर दो प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान से देखें, यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ रहा है। अब 2 तो इसके बीच में है, लेकिन ये माइनस 2 तो इसके बीच में नहीं है ना, तो माइनस 2 इसमें से नहीं लेना, माइनस 2 रिजेक्ट हो जाएगा। क्रिटिकल वैल्यू जो सिलेक्ट होती है सिर्फ वो लेनी होती है, तो इसलिए 2 लेना है, माइनस 2 नहीं लेना। तो यहाँ पर एक बार तो एक्स की जगह 2 पुट करोगे और एक बार एक्स की जगह 1 रखोगे और एक बार एक्स की जगह 3 रखोगे, तो एक्स की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2³ - 24 × 2 और ये 107। तो यहाँ से कितना बन गया देखो 2³ = 8, 8² = 16, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 48 और यहाँ से 107। जब आप ये सारा का सारा जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे तो 75 आ जाएगा, क्लियर। अब मैं एफ 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 24 और यहाँ से 107 हो गया। तो ये सब -22 और प्लस 107 कितना बन जाएगा 85, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 3 पुट कर दो, यहाँ से 2³³ × 3 107, ये सारे को सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आपके पास 89 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा आंसर देख लो कितना आ रहा है 89, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 89 एट x = 3 पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी का ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट के लिए फिर से वही, अब की बार इंटरवल ये वाला लेना है देखो। तो अब इसके अंदर देखो प्लस 2 तो इसके अंदर नहीं आएगा ना, तो कौन सा आएगा -2, तो -2 इसके बीच में से लेना है। तो एक तो f(-2) लेना है, एक f(-3) लेना है और एक f(-1) लेना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो मैक्सिमम, सबसे छोटा आंसर आएगा वो मिनिमम। ये तो आप कर ही लोगे, ट्राई योरसेल्फ। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखोगे। ओके, थैंक यू।